हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जिस शेयर से रिलेटेड मैं बातें करने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है और लगभग डेट फ्री स्ट्रांग है। और ऐसा शेयर है कि कह सकता हूँ कि एक तीर तीन निशाने। तीन निशाने क्यों? क्योंकि वो शेयर बजाज फिनसर एज वेल एज बजाज ऑटो, और जैसे कि आपको पता है बजाज फिनसर में बजाज फाइनेंस का हिस्सेदारी है, तो लगभग तीनों की हिस्सेदारी इस शेयर में, मतलब इस शेयर में तीनों की, आपने अगर इस शेयर में इन्वेस्ट किया तो तीनों में इन्वेस्टमेंट आपका हो जाएगा। और काफ़ी नीचे अभी चल रहा है, लगभग लगभग अभी भी 20% डाउन है, जहाँ पर बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर, ये शेयर और बजाज ऑटो, ये शेयर सारे भाग चुके हैं। बट ये शेयर अभी भी बाकी है और अभी मौका है, अभी नहीं तो कभी नहीं, वो वाला हिसाब है। तो अभी आप शेयर में ले सकते हैं। 8 बार 8 बार बोनस दिया है, डिविडेंड हर साल 30 रुपये 40 रुपये का डिविडेंड देता आया है, और बहुत बेहतरीन प्राइस पे आपको अभी भी शेयर मिल रहा है। पी रेशो केवल 12 का पी रेशो है। तो आइए वीडियो से रिलेटेड बात कर देते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है तो उसके फंडामेंटल जान लेते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए 52 वीक लो था ना, जो 1460 रुपये था, 52 वीक हाई फरवरी में लगभग 4000 रुपये के आसपास ये शेयर था। आज की और फ्राइडे को देखिए, यहाँ पर 40 लगभग 39% की डिलीवरीज यहाँ पर उठाती हुई दिखी है हमें। कंपनीज इंफॉर्मेशन की बात करें, प्रोमोटर्स के पास लगभग 49.94% की हिस्सेदारी है। लगभग आप देख सकते हैं 0.03% की हिस्सेदारी क्वार्टर में बढ़ाई भी है। डिविडेंड जैसे कि मैंने कहा था 30 रुपये 40 रुपये का डिविडेंड देता आया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कंटिन्यूस, मतलब कंपनी बढ़ रही है। तो देखिए जैसे जैसे कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिविडेंड को बढ़ता जा रहा है। तो ऐसी ही कंपनी को हमें चूज करना है, ताकि हमें ऐसी हमें डिविडेंड मिलता रहे। और डिविडेंड भी मकसद नहीं होता, हमारा मकसद होता है कि शेयर अच्छा हो, ए क्वालिटी का शेयर हो, ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सके। तो हम जिस शेयर की बातें कर रहे हैं, उसका मैं आपको पहले तो दिखा देना चाहता हूँ कि शेयर का नाम क्या है। तो शेयर का नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। यहाँ पर देखिए कल की डेट में 7 रुपये का गिरावट थी 0.24% की, बट मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर आपको दिखाऊं तो बड़ा बेहतरीन शेयर है। देखिए यहाँ से भागा, तो देखिए बजाज फाइनेंस और फिनसर तो देखिए बाद में आए थे। बजाज फिनसर देखिए बाद में आया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बजाज फिनसर का अगर मैं आपको दिखाऊं तो बाद में आया था, तो बीच में तो कोई गिरावट नहीं, 2008 में आया था। बट बजाज ये बजाज जो होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट है और बजाज ऑटो, ये शेयर काफ़ी टाइम 2002 से है। तो देखिए बजाज ऑटो में भी गिरावट हुई थी उस टाइम, और बजाज बजाज के होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि 2008 में आपको पता है कि मोस्टली सारी मार्केट क्रैश हुई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पर आए थे। और जैसे कि नाम है बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट, तो मतलब क्या है कि बजाज हो की होल्डिंग रखता है। कौन कौन से बजाज की होल्डिंग रखता है? तो बजाज फाइनेंस, सॉरी बजाज फिनसर एज वेल एज बजाज ऑटो की इसमें हिस्सेदारी है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। और इन्वेस्टमेंट, तो इसका मोस्टली काम है ना इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट से जो डिविडेंड आता है, इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आता है, उससे ये शेयर बढ़ता है, यही इसका बिजनेस है। तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न मैंने आपको दिखा दिया है, बट मैं आपको क्या दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर देखिए लगभग 4000 रुपये के लगभग ये शेयर चल रहा था। 52 वीक हाई अगर देखेंगे तो लगभग 3950 रुपये। अभी शेयर की कीमत कितनी है? अभी शेयर की कीमत है 3135 रुपये। और बजाज का है शेयर, तो बजाज का आपको पता ही है शेयर भागते हैं, 1525 तक ये नीचे आया था, मैंने दिखाया जैसे कि आपको। तो अभी भी अगर हम देखें तो अभी भी इस शेयर में कितनी कितनी जान बची है, तो लगभग 20%। 20% की आपको कभी भी अपसाइड दे सकता है, 20% कभी भी बढ़ सकता है। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो आपको पता ही है, लो से बॉटम देखते हैं तो क्या बेहतरीन रिजल्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 600% की यहाँ पर रिटर्न्स दिख रहे हैं, और कितनी बार, 8 बार बोनस दिया है, जो कि मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। पहले मैं दिखा देता हूँ एक चीज़, देखिए बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, जो ये कंपनी का नाम BHIL है। तो क्या काम है इसका? इसका देखिए कंपनी का जो फोकस रहता है न्यू बिजनेसेस पे रहता है, कि नया बिजनेस मिल जाए उसमें इन्वेस्ट कर दूँ, वहाँ से पैसा आता रहे, वहाँ से इंटरेस्ट आता रहे, वहाँ से डिविडेंड आता रहे। तो BHIL होल्डिंग स्ट्रेटेजिक स्टेक्स ऑफ 31.54% किस में? बजाज ऑटो में, मतलब बजाज ऑटो दिग्गज शेयर, जीरो हमारा डेट फ्री शेयर है, उसमें 31% की 32% की हिस्सेदारी है लगभग। और बजाज फिनसर्व, जिसमें बजाज फिनसर्व में भी हिस्सेदारी, बजाज फाइनेंस में बजाज फिनसर्व की हिस्सेदारी है,
फिफ्टी प्लस की, तो मतलब दोनों में बजाज फिनसर्व में हिस्सेदारी, मतलब दोनों में हिस्सेदारी कितने की, लगभग 40% की, 39.29% की हिस्सेदारी। तो मतलब इस ये एक ऐसा शेयर हो गया जिसमें आपको एक तीर और तीन निशाने, मतलब एक कंपनी में यहाँ पर आपने इन्वेस्ट किया तो बजाज ऑटो में भी किया, बजाज फिनसर्व में भी किया और बजाज फाइनेंस में भी किया, ऐसा एक शेयर ये आपके सामने आ गया है। और अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए रिजल्ट्स की, तो देखिए जो इसको ये किस पर फोकस रहता है, क्योंकि जैसे कि बताया इन्वेस्टमेंट का काम है, तो इसका फोकस जो रहता है डिविडेंड एज वेल एज इंटरेस्ट और एंड प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट। जब इन्वेस्टमेंट किया प्रॉफिट आया वो लिया, और बराबर ये क्वार्टर देखिए अच्छा था नहीं, ओके कोविड के बाद तो इन्वेस्टमेंट काफ़ी यहाँ पर जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट से इनका पिछले साल के इन्वेस्टमेंट से काफ़ी गिरावट यहाँ पर नजर आई है। देखिए 667 था क्वार्टरली बात कर रहा हूँ मैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 2020 में, ओके और यहाँ पर Q2 की बात कर रहे हैं हम, 2020 Q2 2021 यहाँ पर 71 करोड़ केवल, यहाँ पर 667 ओके लास्ट ईयर का। और यहाँ पर कंसोलिडेट की बात की जाए तो 872, अगर सब कुछ मिला के बात की जाए कि इनका प्रॉफिट कितना था, तो लगभग 872 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट था ओके। एंड यहाँ पर अगर देखी जाए तो केवल 1029 करोड़ रुपीज़ का। तो यहाँ पर हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रही है एज ऑन ईयर बेस पे क्वार्टर टू के रिजल्ट्स में। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ काफ़ी बेहतरीन कंपनी मुझे नज़र आ रही है, काफ़ी बेहतरीन एज ए रिजल्ट ऑफ, क्योंकि कुछ देना ही नहीं है, बस इन्वेस्ट करना है, पैसा कमाना है, इंटरेस्ट पे जीना है ओके। डिविडेंड आएगा, डिविडेंड हेल्दी आता ही है, आपको पता ही है बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज ऑटो ये डिविडेंड अच्छा देते ही है, निफ्टी 50 के पार्ट्स है और क्या चाहिए, और मल्टी और ये भी लार्ज कैप कंपनी है। तो ये तो हो गई बात इसकी, बजाज ऑटो आपको पता ही है किस तरीके से, बजाज फिनसर्व आपको पता है किस तरीके से है। अगर हम देखिए 34,923 करोड़ रुपये का मार्केट कैपिटल है और पी कितना, 12 के पी पे ये शेयर आपको अभी मिलता हुआ नजर आ रहा है ओके। और कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, तो क्वार्टर मार्च के बाद थोड़ा सा इनके पास डेट बढ़ गया है, जैसे जो कि मैं आपको दिखाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेल्स देख लीजिए, सेल्स क्या होगी यहाँ पर देखिए, मार्च और मार्च की अगर हम बात करें तो 434 करोड़ रुपीज़ का और 403 करोड़ रुपए का अभी तक का है, एक्सपेंस 117 और 134। और अगर नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखिए 2845 करोड़ रुपीज़ का अभी तक का है, और मार्च के क्वार्टर की बात करें तो 2992 करोड़ रुपीज़ का नेट प्रॉफिट आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये दिख रहा है। बैलेंस शीट की बात करूँ तो रिजर्व्स देखिए, रिजर्व्स काफ़ी बेहतरीन है, 4,434 करोड़ रुपए के रिजर्व्स, आज 31,547 करोड़ रुपए के इनके पास रिजर्व्स है। बोरिंग अभी तक नहीं थी, बट अभी बोरिंग लगभग 151 करोड़ रुपए की इनके पास बोरिंग हो गई है, जो कि नथिंग है इनके लिए, कभी भी पे कर देंगे ओके। एंड अगर टोटल एसेट की बात की जाए 37,819 करोड़ रुपीज़ के यहाँ पर, जो कि एसेट कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं, काफ़ी बेहतरीन मुझे ये कंपनी नज़र आ रही है, आप भी इसे देख सकते हैं। प्रोमोटर्स की होल्डिंग देखे, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखे तो प्रोमोटर्स ने पिछले क्वार्टर में 0.03% की हिस्सेदारी बढ़ाई है, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। फॉरेन इन्वेस्टर 15% की हिस्सेदारी रखते हैं लगभग, DIH लगभग 3% की हिस्सेदारी कह सकते हो, पब्लिक के पास 32.20% की हिस्सेदारी यहाँ पर है। तो काफ़ी अच्छा है। एज वेल एज अगर बात करें इन्वेस्टमेंट की, तो देखिए कंपनी जैसे कि इन्वेस्टमेंट का काम है, तो करंट इन्वेस्टमेंट कितना कर रखा है, कभी 5 साल पहले 22 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था और अभी लगभग 10,334.95 करोड़ रुपीज़ का इनके पास केवल करंट ने इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि कंटिन्यूस ईयर में बढ़ते जा रहा है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात की जाए तो लगभग 30 करोड़ रुपए का इनके पास कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंपनी डिविडेंड 8 बार दे चुके हैं, आप गिन सकते हैं, लगभग 8 बार डिविडेंड दे चुके हैं, काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1971 में डिविडेंड दिया ओके, 73 में दिया, 77, 84, 88, 91, 94, 97, बट उसके बाद कंपनी ने अभी तक डिविडेंड दिया नहीं है। फेस वैल्यू 10 का है ओके। कंपनी आएगी अपने ऊपर, कंपनी के डायरेक्टर्स अगर डिसाइड करेंगे तो दोबारा भी बोनस भी दे सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं अपने फेस वैल्यू को, अगर उन्हें रिक्वायरमेंट आपको लगेगी तो। तो कंपनी काफ़ी बेहतरीन लग रही है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कमेंट करिएगा, एज वेल एज एक डिस्क्लेमर और देखना चाहता हूँ मैं आपको, डिस्क्लेमर क्या, अगर आप अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं तो एंजल ब्रोकिंग में कराइए, फ्री में आपका डीमैट अकाउंट ओपन हो रहा है ओके, जीरो आपको जीरो ब्रोकरेज है आपकी,
₹20 ब्रोकरेज आपकी उसमें इंटरडे और FNO में लगेगी, एज वेल एज जीरो डिलीवरी में केवल ₹0 है। तो आप डीमेट अकाउंट ओपन करा सकते हैं प्लस ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग में काफ़ी अच्छा इनका लेआउट है, इनका फीचर्स काफ़ी अच्छे हैं। कहीं पर भी आप डीमेट अकाउंट को फिंगर टिप पे मोबाइल में इंस्टॉल करके, काफ़ी इनका एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छा है, तो आप इसे अपने मोबाइल में यूज़ कर सकते हैं बड़ी फ्रिक्वेंटली। एज वेल एज एंजल ब्रोकिंग के एडवाइजरी आपको एडवाइज़ करेंगे, ओके, काफ़ी बेहतरीन है। तो इसका डिस्क्लेमर मैं आपको नीचे लिंक दे दूंगा, तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं, उस पर लिंक को क्लिक करके आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ₹0 में आपका अकाउंट फ्री में ओपन हो जाएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके पास लाता रहूँ। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।